नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज हम सभी जानते हैं घाव में उपयोग करने वाले घरेलू औषधि के बारे में। जी हाँ, घाव हो जाता है तो उसको पहले के लोग ठीक कर लेते थे बगैर दवाइयों के ही, और दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है लेकिन घरेलू औषधियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल ज़्यादा सेफ और सुरक्षित होता है, सही होता है। तो आज हम सभी इस एपिसोड के माध्यम से इसी बारे में जानेंगे। पूरा एपिसोड आप सभी अवश्य सुने कि आपको पूर्ण लाभ मिल सके। जी हाँ, आइए जान लेते हैं सबसे पहले तो फिटकरी के उपयोग के बारे में। यदि चोट या खरोच लग करके घाव हो गया हो और उससे खून निकल रहा हो तो घाव को फिटकरी के पानी से धो करके फिटकरी का चूर्ण बनाकर बुरक दीजिए, उस पर खून बहना बंद हो जाएगा, इसके बाद घाव ठीक होने लगेगा। इसके अलावा अगर ब्लड में कमी होने की वजह से, यानी कि ब्लड की खराबी की वजह से घाव हुआ है, तो आप नीम के पत्ते चढ़ा दीजिए पीस करके उस पर, और सुबह सुबह कोमल कपूले नीम की 1 से 2 हर रोज खा लीजिए 10 दिनों तक, आपके घाव की समस्या दूर हो जाएगी। ये बहुत ही सरल और पुरानी घरेलू औषधियां हैं, बहुत ही कारगर होती हैं, खास करके घाव को दूर करने के लिए गुणकारी औषधियां हैं, इनका उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। तो ये आज की जानकारी रही आप सभी के लिए घाव को दूर करने से रिलेटेड। आप सभी से अब जुड़ेंगे नए एपिसोड में, लेकिन जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम आप सभी के लिए लेकर के आएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें, ताकि अन्य जरूरतमंद लोगों तक वीडियो पहुंच पाए, और ये आपके लाइक शेयर एंड कमेंट्स के माध्यम से ही पॉसिबल है, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट्स के माध्यम से ही वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाता है, और यही हमारे चैनल का उद्देश्य भी है कि मैक्सिमम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिल सके हमारे चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं आप सभी से अब नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।